यहाँ तो हम लोग सनी समाज समूचे लालटेन छाप के वोट देंगे, और जहाँ पे हमारा सनी समाज का जो आएगा हम लोग समूचे सनी समाज का ही वोट देंगे। मोदी जी ने तो माने नहीं, आरक्षण के बात हुई तो आरक्षण मिला नहीं। आज मेरा सनी समाज बिखरे हुए हैं, आज हम लोग का सनी समाज को अपनाए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हम लोग उन्हीं पर पूरा सहनी समाज ध्यान देंगे, इसलिए हमारा मुकेश सहनी जहाँ रहेगा तहाँ हम लोग रहेंगे। ना मुकेश सहनी जिंदाबाद, साथ रहना, उन्हीं के साथ रहना है हम लोग। जात है तो जात से साथ रहेगा, तो किसका साथ रहेगा? जात है पर जात है थोड़ा ही, जूठों में खाता है आने रेठों में खाता है। हमारे मुकेश सहनी जी है, हम मुकेश सहनी के समर्थन करेंगे हम लोग पूरा। उनको 3 सीट मिला है, हम सब पर समर्थन करेंगे, जहाँ जहाँ उनका सीट रहेगा तहाँ तहाँ हम समर्थन करते जाएंगे। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सियासत काफी तेज है, ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है कयास जो है मुकेश सहनी को लेकर लगाया जा रहा है और पूरी तरह से अब साफ हो गया है। ऐसे में अब जो है इंडिया एलायंस में अब मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में देख सकते हैं मल्लाह समाज के लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ। मुकेश सहनी के द्वारा अभी जो है 3 सीट जो है दिया गया है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सहनी समाज का लायक समझे और मेरे को 3 सीट में दिया। हमारे सभी सहनी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है ताकि हमारे मुकेश भाई हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, हमारे जो गरीब बुजुर्ग जो मल्लाह समाज अति पिछड़ा में घोषित हो गया है उसको कुछ योगदान मिले। आने वाला समय में हमारे भविष्य के लिए मुकेश सहनी बहुत अच्छे लोग रहे और बाकी विशेष बहुत अच्छा है। मुकेश सहनी का जो ये निर्णय जो लिया गया है कितना आप सही मान रहे हैं? सही सही है, बहुत अच्छा है। हम लोग जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि हमारे सभी लोगों को गुमराह करने के लिए, सभी हमारे जो मल्लाह समाज है उनको गुमराह करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे एक मुकेश सहनी को हक अधिकार देने के लिए लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र जो तेजस्वी यादव जी हैं वही तो हमारे हक अधिकार के लिए अपना मान सम्मान रखे, बाकी कौन रखा है इस धरती पर? सभी लोग तो सब हम लोग लूटे ही हैं। बस मोदी का खत्म होगा 40-40 बिहार में जीतेगा? हाँ तो हम लोग सनी समाज समूचे लालटेन छाप के वोट देंगे, और जहाँ पे हमारा सनी समाज का जो आएगा हम लोग समूचे सनी समाज का ही वोट देंगे। चलिए और कुछ लोग है, क्या कहेंगे? मुकेश सहनी का जो है निर्णय लिया गया है कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है प्रकाश भाई, हम लोग देखिए हम लोग का सहनी समाज को मोदी जी ने तो माने नहीं, आरक्षण के बात हुई तो आरक्षण मिला नहीं, और हमारे सहनी में मंत्री बना दिया गया दो मदन सहनी, हरी सहनी और ललीपॉप दिखाने का काम किया। आज मेरा सहनी समाज बिखरे हुए हैं, आज हम लोग का सहनी समाज को अपनाए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। 3 सीट मुकेश सहनी के द्वारा दिया गया है, इससे आप लोग खुश हैं? तीनों एकदम 400 सीट हो सके जीतेंगे हम लोग। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं? एकदम दावा कर रहे हैं, एकदम पूरा एकदम जय जय है, जीत पक्का, एकदम पक्का है। यहाँ पर और कुछ सहनी लोग हैं, इनसे बात करें, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है महेश सहनी। क्या कहेंगे मुकेश सहनी जी को? सहनी का टिकट मिला है इसलिए हम लोग पूरा खुश है, है ना? हाँ खुश है, हम लोग उन्हीं पर पूरा सहनी समाज ध्यान देंगे, खुल के वोट देंगे। मोदी जी मोदी जी तो विकास किए हैं, लेकिन हमारा इतना दिन से पार्टी के कह रहे थे कि मुकेश सहनी के रखेंगे और बाद में टाल दिए हैं, इसलिए हमारा मुकेश सहनी जहाँ रहेगा तहाँ हम लोग रहेंगे। वहीं रहेंगे। मोदी जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा जहाँ सहनी हमारा रहेगा मुकेश सहनी, हम लोग वहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमें ईश्वर सहनी हुआ। क्या कहेंगे मुकेश सहनी को 3 सीट मिला? अति कहेंगे सर, हमारा तो मुकेश सहनी जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद? हाँ मुकेश सहनी जिंदाबाद, साथ रहना, उन्हीं के साथ रहना है हम लोग। हाँ दूसर कुछ नहीं, दूसर बीजेपी नहीं, मुकेश सहनी के पास रहेंगे हम। हाँ देख सकते हैं तमाम जो सहनी समाज के लोग हैं इन लोगों से भी लगातार प्रतिक्रिया, यहाँ पे युवा है, क्या कहेंगे कैसे देख, यहाँ पर और युवा हैं इनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी? बिल्कुल एकदम सही निर्णय है, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ में है। अच्छा। बिल्कुल अच्छा, जो बीजेपी दावा कर रही है कि 40-40 सीट जीतेंगे, बीजेपी से क्या लेना? जो हमारा सहनी समाज इसके साथ में है उसके साथ में रहेंगे, उन्हीं के साथ। हाँ बिल्कुल एकदम लास्ट जी से।
देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सहनी समाज से हैं, बाबा हैं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? जय किशन सहनी। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार का लोकसभा? सहनी मुकेश सहनी को 3 सीट दिया है राजद वाला, इस बार क्या मुकेश सहनी के साथ रहिएगा आप लोग? जात है तो जात के साथ न रहेगा तो किसका साथ रहेगा? जात है प्रजात है छोड़ा ही, जूठों में खाता है आनी रेठों में खाता है, जात के जोर में खाता है, दूसरा जात में खा लेगा छोड़ा ही। कोटा गार के हैं आप लोग? हाँ कोटा गार के ना है सर। हमारा नाम गजेंद्र सहनी हुआ। कैसे देख रहे हैं इस बार मुकेश सहनी को 3 सीट दे दिया है बिहार में इंडिया एयरलाइंस राजद की ओर से, क्या लग रहा है मुकेश सहनी जीतेगा? जीतेगा, उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या मुकेश सहनी से क्या मांग रहे हैं? बस हम लोग का आरक्षण मिले, बस आरक्षण मिलेगा तो विकास होगा, विकास होगा। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अभी बिहार में जो है मुकेश सहनी को लेकर जो है लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे आज जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के बाद विभिन्न पार्टियां जोर शोर पर काम कर रही है, ऐसे में मुकेश सहनी समाज काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कितना सीट जो है इंडिया एलायंस जीतती है। और ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश ऑनलाइन पर बने रहें, तब तक लिया दीजिए जय हिंद जय भारत।